मैं एक फर्द हूँ या एक एहसास हूँ, मैं एक जिस्म हूँ या रूह की प्यास हूँ, कि सच की तलाश है दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं क्या तू मेरे पास है। मैं एक फर्द हूँ या एक एहसास हूँ, मैं एक जिस्म हूँ या रूह की प्यास हूँ। चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने तीन कॉर्ड यूज किए हैं, तीनों के तीनों ओपन कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो पहला कॉर्ड है वो है ई माइनर, ई माइनर। सेकंड कॉर्ड है जी मेजर, जी मेजर, ठीक है। और जो लास्ट कॉर्ड है वो है ए मेजर, ठीक है। तीनों के तीनों ओपन कॉर्ड्स हैं और इजी हैं। ई माइनर, जी मेजर, लास्ट में ए मेजर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। चले चलते हैं रिदम की तरफ। जो रिदम मैंने यूज की है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन एंड डाउन अप, ठीक है। जो लास्ट का डाउन अप है वैसे फिलर काम करेगा जब आप कॉर्ड स्विच करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रिदम में ही काउंट करें, हमें एक्स्ट्रा डाउन अप लगाने की जरूरत नहीं है, ये डाउन अप एज अ फिलर काम करेगा, ठीक है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स हैं वो है 8, 8, दो डाउन है, दो अप है, और दो डाउन एंड अगेन डाउन अप, ठीक है। डाउन डाउन अप अप डाउन down and down up, so I hope ये रिदम आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई और रिदम यूज करनी है आप उसको कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। तो जो प्रोग्रेशन है पहली लाइन की वो कुछ इस तरीके से है, ई माइनर एंड जी मेजर। और पहली जो पैराग्राफ है उसमें सिर्फ हम सिंगल स्ट्रोक मारेंगे इस तरीके से, मैं एक फर्द हूँ जी मेजर या एक एहसास हूँ। सेम प्रोग्रेशन नेक्स्ट लाइन के लिए, मैं एक जिस्म हूँ जी मेजर या रूह की प्यास हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल स्ट्रोक यूज कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो प्लकिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक फर्ज हूं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप सिंगल सिंगल स्ट्रोक यूज करना चाहते हैं या फिर प्लकिंग यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से इंप्रोवाइज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम इस तरीके से स्ट्रोक मारे, ठीक है। सिर्फ इजी करने के लिए है ताकि इसको बिगनर्स भी आराम से प्ले कर सके, ठीक है। तो जो पहली लाइन थी वो थी, मैं एक फर्ज या एक एहसास हूँ, वापस, मैं एक जिस्म हूँ या रूह की प्यास हूँ, ठीक है। अब ए मेजर पे आएंगे, ये सच की तलाश है, जी मेजर पे दूर आकाश है, वापस ए मेजर पे मंजिल पास नहीं, वापस जी मेजर पे क्या तू मेरे पास है। जो पहला पैराग्राफ है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल स्ट्रोक का यूज करेंगे या फिर प्लगिंग का, ठीक है। इसके बाद से हम शुरू करेंगे, जब नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा तब रिदम, ठीक है। और जो उसकी प्रोग्रेशन रहेगी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, कभी ना यूज की जो हमने पहले यूज की।
थी, ठीक है। तो जो पहली लाइन की थी वो है ई माइनर एंड जी मेजर दो बार, कभी जी मेजर या सेम, नेक्स्ट टाइम गर तुझ में नहीं जी मेजर तो फिर वे, इसके बाद ए मेजर कि सच की तलाश है जी मेजर दूर आकाश है, वापस ए मेजर मंजिल पास नहीं जी मेजर प्यार मेरे पास है, ठीक है। लेकिन इसको हम रिदम में प्ले करेंगे, सिंगल सिंगल स्ट्रोक नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद की जो बस एग्जैक्टली सेम है, सेम प्रोग्रेशन यूज हुई, मेलोडी भी सेम है, ठीक है। तो आई होप आप उसको प्ले कर लेंगे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करेगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।